डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। पहले दो डाउट हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो लास्ट क्लास का डाउट है, उसको लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन एक्स प्लस वाई माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस टू, और वाई ऑफ वन की वैल्यू वन गिवेन है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमें सब में क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई सब जगह दिख रहा है, तो हमने एक्स प्लस वाई को टी लेट कर लिया। पुट एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ दिखेगा वहाँ पर हम डी टी बाई डी एक्स माइनस वन कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे ये सोचना है हमको कि इसके बाद क्या होना चाहिए। करो यहाँ तक, करो जल्दी से। ये सारी वैल्यूज उठा के हम जहाँ जहाँ पे एक्स प्लस वाई दिख रहा है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे टी, और जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा वहाँ पर डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। तो टी माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टी प्लस वन, और ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस टू। तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, डी टी बाई डी एक्स माइनस वन की वैल्यू, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस वन, ये इधर जाएगा। तो अच्छा, इसमें टी माइनस वन है और ये टी माइनस टू है, सॉरी ये यहाँ पर टी माइनस टू है, क्योंकि टी ऊपर है एक्स प्लस वाई है और नीचे क्या है एक्स टी माइनस टू है ये, तो ये हो गया टी माइनस टू, टी माइनस वन अपॉन टी माइनस टू इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू। तो जैसे ही आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, टी माइनस टू ऊपर आ जाएगा और टी माइनस वन नीचे आ जाएगा। तो टी प्लस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी प्लस टू और टी माइनस। अब यहाँ पर हम वन को उधर भेज देते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस, एक काम करते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम हो जाएगा टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन। तो ये यहाँ पर हो गया, इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं ऐसे टी प्लस वन और टी माइनस टू। अब हम एलसीएम जब लेंगे टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, वन के अपॉन में वन है तो टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टू, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी माइनस टू, ये आ जाएगा। तो यहाँ से टू टी माइनस का और ये प्लस का कट हो जाएगा, और ये माइनस टी और ये प्लस टी कट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर मिलके क्या बन जाएंगे, टू टी स्क्वायर माइनस फोर, तो टू कॉमन ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आप टी प्लस टू और टी माइनस वन को, तो ये ऊपर किया हुआ है आपने, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स।
अब टी के साथ टी और एक्स के साथ एक्स को ले आते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस टू प्लस टी होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस टू डी टी, और यहाँ पर डी एक्स के साथ टू आ जाएगा, टू डी एक्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही हो कि यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस टू ऊपर भी है और टी स्क्वायर माइनस टू नीचे भी है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में ना ब्रेक करें, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि अलग अलग डिवाइड हो रहा है। अगर ये टी स्क्वायर प्लस टू होता तो फिर तो हमें करना ही पड़ता, या तो हम टी स्क्वायर प्लस टू ऊपर लाने की कोशिश करते, नहीं तो हम सीधे सीधे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये वन हो जाएगा और ये टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू, और साथ में ये क्या हो गया डी टी, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो वन का हो गया टी। अच्छा यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि अगर नीचे वाले को यू लेट कर लिया जाए, टी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू यू, तो टू टी डी टी इक्वल टू डी यू, तो टी डी टी इक्वल टू डी यू बाई टू हो जाएगा, तो ये हो गया वन अपॉन टू, और ये हो गया डी यू, टी डी टी की वैल्यू डी यू अपॉन टू और अपॉन में यू, और ये हो गया टू एक्स डी एक्स का एक्स हो गया, तो ये अब क्या बन जाएगा टी प्लस हाफ, ये हो गया एल एन यू, वन अपॉन यू एल एन यू हो गया इक्वल टू टू एक्स और प्लस सी, टी प्लस हाफ लॉग या एल एन यू की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस टू टू एक्स प्लस सी। अब टी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो टी की वैल्यू हमने लेट की थी एक्स प्लस वाई प्लस हाफ एल एन, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू टू एक्स प्लस सी। अब क्या किया जाए, इसके बाद एक्स और एक्स को वन साइड कर लेते हैं, तो हाफ एल एन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओपन करने से कोई फायदा तो है नहीं कि टू कट तो होगा नहीं, तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, टू एक्स माइनस एक्स हो गया और प्लस वाई इधर आके माइनस वाई और प्लस सी हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इन्होंने बोला है कि वाई ऑफ वन इक्वल टू वन है, यानी हमें क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू वन पर वाई की वैल्यू वन है, तो हाफ एल एन ये हो जाएगा टू प्लस टू, सॉरी वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस टू टू, तो ये हो गया कितना हाफ एल एन टू इक्वल टू एक्स माइनस वाई जीरो, तो ये सी की वैल्यू आ गई, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये बात क्लियर हो रही ना, एक्स और वाई वन पुट किया तो वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस टू टू हो गया, तो सी की वैल्यू यहाँ से आ गई हाफ एल एन टू। इस सी की वैल्यू को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन है, और ओरिजिनल का मतलब जो यहाँ तक हम ले आए, ओरिजिनल तो ऊपर वाली है, ये हमने जो सी तक सॉल्व किया था अब इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं, हाफ एल एन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस सी की वैल्यू हाफ एल एन टू। एल एन वाले टर्म को हम वन साइड ला सकते हैं, तो हाफ एल एन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस हाफ एल एन टू इक्वल टू एक्स माइनस वाई, हाफ कॉमन लेके टू का मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं, और लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी लॉग एम अपॉन एन, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू ये हो जाएगा यहाँ तक, और इक्वल टू क्या हो जाएगा टू टाइम्स एक्स माइनस वाई। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में तो बताइएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो भी जेई के प्रीवियस ईयर का था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए थी हमको, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वेशन कुछ इस टाइप से गिवन था, अंडर रूट 1 + x² प्लस अंडर रूट 1 + y² के टाइम्स एक्स अंडर रूट 1 + y² माइनस वाई अंडर रूट 1 + x² इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है और इसकी डिग्री बतानी थी कि डिग्री क्या होगी इसकी। तो अब यहाँ पर स्टार्ट कैसे करेंगे ये हमें सोचना है। डिग्री का मतलब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो dy बाई डी एक्स है वो अगर पॉलिनोमियल में है यानी उसका अंडर रूट क्यूब रूट नहीं है तो फिर जो उसकी होल पावर हो जाएगी वो डिग्री हो जाएगी। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, तो देखो एक तो होता है कि डायरेक्ट आप देखते ही शुरू हो जाओ, एक और मेथड है जो आपको बताया गया है कि अगर अंडर रूट 1 + x² का केस दिखाई देता है तो एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा, आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा है, पूरे इनडेफिनिट डेफिनिट में ये सब पढ़ा हुआ है। तो बताइए मुझे एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है टेन थीटा। तो यहाँ पर एक्स और वाई दो है तो एक्स की वैल्यू हमने टेन अल्फा पुट कर दिया और वाई की वैल्यू टेन बीटा पुट कर दिया। पुट एक्स इक्वल टू टेन अल्फा एंड वाई इक्वल टू टेन बीटा। तो अंडर रूट 1 + tan² अल्फा sec स्क्वायर अल्फा मीन्स sec अल्फा और ये sec बीटा हो गया, और यहाँ पर k टाइम्स टेन अल्फा इंटू sec बीटा माइनस टेन बीटा और इंटू sec अल्फा, टेन बीटा इंटू sec अल्फा। अब क्या करेंगे इसके बाद, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो 1 cos α प्लस 1 cos β इक्वल टू के टाइम्स साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा इक्वल टू वन sec बीटा इक्वल टू 1 cos β टेन बीटा इक्वल टू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 cos α। एलसीएम ले लेते हैं बोथ साइड, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा बोलो या कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बोलो बात देखिए, प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा यहाँ ले लिया तो ये हो गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये कट हो गया। कॉस सी प्लस कॉस डी का रिजल्ट लगा दिया, 2 cos C + D/2 cos C - D/2 इक्वल टू के टाइम्स साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos C + D/2 sin C - D/2 कॉस भी कट हो गया, 2 भी कट हो गया, कॉस अपॉन साइन को एक साथ ले लिया तो ये हो गया कॉट कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू के। इस तरह का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी है और इसको सॉल्व करने के लिए यही मेथड यूज़ करते हैं तो जल्दी सॉल्व होता है। डिफरेंशिएशन में प्रूफ वाले क्वेश्चन में है ये कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ऐसे प्रूफ करो तो ये अल्फ़ा बीटा लेट करना पड़ता है। ये हो गया कॉट इनवर्स के, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 2 cot inverse के। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, तो अल्फ़ा हमने यहाँ से निकाल सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और सिमिलरली बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई। ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई, 2 cot inverse k। डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 upon 1 + x² 1 upon 1 + y² dy/dx इक्वल टू, ये तो ज़ीरो हो गया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ गई 1 + y² upon 1 + x² ये वैल्यू आ गई। सेम क्वेश्चन है ऐसा, यही प्रूफ करने के लिए आता है dy/dx इक्वल टू प्रूफ करो।
तो अब यहाँ पर हमें इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तक हम यहीं से देख के बता सकते थे कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री इसकी दिखाई दे रही है, अब सभी को क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है उसकी पावर जो होती है वो डिग्री हो जाती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू वन। अगर ऑर्डर भी पूछा जाता तो भी क्या हो जाता, वन। ऑर्डर तो खैर ऊपर देख के हम बता सकते कि एक ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर वन ही होने वाला है। तो इसमें भी बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा पार्ट है इम्पॉर्टेंट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। लेकिन इसको बोर्ड में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, बोर्ड में नहीं करना है इसको, ये सिर्फ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी शॉर्टकट। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको शॉर्टकट बोल देंगे। वैसे इसका नाम होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अगर नाम नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। इसको वैसे हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इतना ब्रीफ में जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्टकट याद कर लेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि नाम तो पूछा नहीं जाएगा। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम इसी से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है वो सॉल्यूशन को एक या दो लाइन या तीन लाइन में ख़त्म कर देगा, अगर इससे पॉसिबल है तो। और मैक्सिमम 90% केसेस इससे पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें यही ट्राई करना है, लेकिन इसको बोर्ड में अप्लाई नहीं करना है। तो देखिए इसको कैसे, हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सारे पॉइंट हमको याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है, और ये है पता है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो नई है, जो हम नई चीज़ हमें लगने वाली, ये हमें पता है। देखो मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ, आपको क्या ये नहीं पता है कि डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई क्या होता है, क्या होता है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन हो जाता है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये डी एक्स एलसीएम ले लेंगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा, और ये डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई होगा, तो ये डी एक्स और डी एक्स को कट कर देंगे, तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो ये हमारा शॉर्टकट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि एक्स डी वाई मतलब डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। बात समझ में आ गई ना, अपॉन में डी एक्स जो था वो कट हो गया, ये हमने यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर दिया। तो ये कोई नई चीज़ थोड़ा ना, ये तो हम पुरानी पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का। एक्चुअली में हम डी क्यों लाना चाहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसको फाइनली लास्ट में जाके हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो अगर हम सारी इक्वेशन में डी लेके आ जाएंगे, सपोज करो यहाँ पे डी आ गया और एक्स स्क्वायर आ गया, फिर डी आ गया एक्स क्यूब आ गया, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी से ये इंटीग्रेशन कट हो जाएगा, तो सीधे आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू सी। तो अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज़्यादातर डी लेके आए, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, और जैसे ही डिफरेंशिएशन आ जाएगा और जैसे ही उसको इंटीग्रेट आप करोगे तो वो गायब, सीधे सीधे आंसर दो से तीन लाइन में आने वाला है। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, इसको हमें लर्न करना है, डी एक्स वाई जहाँ भी कहीं हमको एक्स डी वाई और वाई डी एक्स दिखाई देगा वहाँ पर हम डी एक्स वाई रख देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी,
अगर डी एक्स अपॉन वाई दिखाई देगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल लगाओ, देखो वाई डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। क्वेश्चन रूल लगा के आप चाहो तो चेक कर लो, और लगा ही दिया यहाँ पे, ऐसा कुछ है तो है नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? क्वेश्चन रूल लगा दिया, कुछ नया काम नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन रूल लगा दिया। फिर अगर मान लीजिए डी के साथ एल एन आ जाता है, और यहाँ पर वाई और एक्स भी आ जाते हैं साथ में, तो आप क्या करेंगे? पहले डिफरेंशिएशन वाई बाई एक्स के साथ एल एन का करना है, तो मैं यहाँ करके इसको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ करके, और वहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे एल एन वाई बाई एक्स। तो एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स, तो वाई बाई एक्स ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी अपॉन डी जो है वाई बाई एक्स, और डी वाई बाई एक्स अभी हमने ऊपर किया नहीं है, ये लिखा है डी वाई बाई एक्स, ये तो क्या है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो आ गया कि नहीं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स वाई। कई बार ऐसे भी दिखेगा और कई बार ऐसे भी दिखेगा कि डी वाई के अपॉन में वाई और डी एक्स के अपॉन में एक्स, तो हमें याद आना चाहिए कि डी वाई अपॉन वाई है और डी एक्स अपॉन एक्स है, तो ये डी ऑफ एल एन वाई बाई एक्स होगा। हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया और कोई काम नहीं किया, एक्स से एक्स कट हो गया और वाई से वाई कट हो गया, तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। तो अब अगर हमारे पास एक्स बाई वाई हो, तो उसको अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है, चाहे वो एल एन एक्स बाई वाई हो या वाई बाई एक्स हो, हम दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख दें डी ऑफ एल एन एक्स बाई वाई, तो क्या ये अलग हो जाएगा क्या? नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। तो पहले डी एक्स अपॉन एक्स आए, बाद में डी वाई अपॉन वाई है, तो समझ जाना डी एल एन एक्स बाई वाई का केस है। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई हो गया, एक्स बाई वाई हो गया। वैसे तो ये बहुत सारे बन सकते हैं, कुछ बेसिक हैं जो हमको याद रखना है, बाकी उस समय तो हम डिफरेंशिएट करके देख ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हम उस समय नहीं देखेंगे, उस समय भी हमें देखना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर हमारे पास इस टाइप का एक्स वाई प्रोडक्ट में आ जाए तो क्या करेंगे, डी एल एन एक्स वाई, डी के साथ आ गया एल एन एक्स वाई, तो अब इसको भी बहुत इजीली कर सकते हो आप। पहले एक्स वाई का वन अपॉन एक्स वाई और फिर डी एक्स वाई, तो ये आ गया वन अपॉन एक्स वाई और डी एक्स वाई, और डी एक्स वाई ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऊपर, सबसे पहला पॉइंट तो यही था डी एक्स वाई, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। अगर कहीं इस टाइप का पूरा फॉर्म दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि ये डी एल एन एक्स वाई का केस है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है। फिर उसके बाद सेवेंथ पार्ट में लिख लेते हैं, अगर हमारे पास डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वाई का केस हो गया, डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, तो टेन इनवर्स एक्स का सबको पता है क्या होता है, देखो यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ, ऐसे ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स बाई वाई, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में डी एक्स बाई वाई की वैल्यू ऊपर ये लिखी हुई है, डी एक्स बाई वाई है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई देगा, तो हम उसकी जगह डी टेन इनवर्स एक्स बाई वाई रख देंगे। तो अगर यही केस
वाई बाई एक्स की जगह पे एक्स बाई वाई की जगह वाई बाई एक्स हो जाए, तो कोई फर्क वाली बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक और देखते हैं जरा इसमें, अगर हमारे पास डी ऑफ वन अपॉन एक्स वाई माइनस का केस होता है तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसको भी यहाँ अलग से दिखा देता हूँ मैं, सॉल्व कर क्या होगा देखिए। पहले डी ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स वाई, तो आपने पढ़ा होगा वन अपॉन एक्स वाई का, वन अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये पहली बात तो माइनस आगे कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसको माइनस को बाहर कर दिया, वन अपॉन एक्स वाई का माइनस होता है तो प्लस हो गया, और फिर जिसको एक्स लेट किया था उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक एक लाइन का काम होता है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर बात करें कि भाई डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास साइन इनवर्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स वाई का पता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जिसको एक्स लेट किया उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो कभी भी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स दिखाई देगा तो, और अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई है, और वो प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा, अभी हम देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। तो अभी तक हमने देखा कि भाई एक्स डी वाई आ रहा है और वाई डी एक्स आ रहा है, अभी कभी ऐसा कभी नहीं आया कि एक्स डी एक्स आ जाए और वाई डी वाई आ जाए। तो देखो एक उसका भी कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एक्स डी एक्स और वाई डी वाई भी आएगा, एल एल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या होगा? इसका पहले साइड में करते हैं फिर चेक करते हैं। डी ऑफ एल एन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पहले अंडर रूट को बाहर निकालो, तो ये हो गया हाफ डी ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वन अपॉन एक्स एल एन एक्स का वन बाई एक्स, तो ये हो गया, और जिसको एक्स लेट किया उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स डी एक्स, और वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई, टू कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। तो ये भी ध्यान रखना हमेशा कि अगर हमारे पास कभी इस टाइप का केस हो कि एक्स डी वाई और वाई डी एक्स आ जाता है अपॉन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ही, तो एक्स डी एक्स आ जाए और वाई डी वाई आ जाए और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा केस डी एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा। तो कभी भी एक्स के साथ डी एक्स आए और वाई के साथ डी वाई आए, तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने वाला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स डी एक्स। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, वैसे तो ये समझ में आ गया आपको, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स डी एक्स और वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई, तो टू कॉमन ले लो, तो अगर एक्स डी एक्स और वाई डी वाई एक साथ दिखाई दे तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करके डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल दो उसको। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, अभी आपके लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन थोड़ी देर में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और समझने लगेंगे कि चीज़ें कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से, ये तो सब हमें याद रखने हैं,
और भी बन सकते हैं कई सारे, वो अभी क्वेश्चन में बनेंगे तब हम ध्यान रखेंगे कि क्या बन रहा है। कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करना है हमको, बस हमारा मेन मोटो यही होना चाहिए कि हमें डी लेके आना है। डी का मतलब डेरिवेटिव लेके आना है बस, ताकि जब हम इंटीग्रेट करें बोथ साइड तो फिर वो कट हो जाए, इंटीग्रेशन साइन से डी जो है वो कट हो जाए। तो यहाँ तक इसको रोकते हैं और फिर अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए तो फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। यह हो सकता है ऐसे लिखा हो या ऐसे डी वाई बाई डी एक्स करके दे दिया जाए यहाँ पर, कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और ये ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे करके भी दे सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए वाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इन दोनों में ए कॉमन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास दिख रहा है ये, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स वाई स्क्वायर के साथ डी वाई और ए कॉमन लेने के बाद एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम डी ऑफ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी ऑफ क्या लिख सकते हैं, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, किसका हम डिफरेंशिएशन करें कि एक्स स्क्वायर मिल जाए तो एक्स क्यूब का कर सकते हैं, तो एक्स क्यूब का क्या बनेगा 3x2, तो ये 3x2 हो गया। तो हमें क्या लिखना है डी एक्स क्यूब अपॉन 3 करोगे,
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगी। तो ये बात समझ में आती है कि हमने क्या किया, एक्स क्यूब बाई थ्री, क्योंकि बाई थ्री क्यों किया, क्योंकि थ्री भी तो कट होना है, यहाँ तो वन ला रहा है, तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, तो थ्री से थ्री कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली वाई स्क्वायर डी वाई को डी वाई क्यूब बाई थ्री लिख सकते हैं, और ये तो अभी हमने शुरू से पढ़ा कि एक्स डी वाई और वाई डी एक्स हो, तो डी एक्स वाई ले लेते हैं, सब में देखो डी आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे हमने इंटीग्रेट कर दिया तो डी लिखने की जरूरत नहीं, एक बार मैं लिख देता हूँ पूरा, ये हो गया डी ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री, और ये हो गया दूसरा, आंसर आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई क्यूब बाई थ्री इंटू डी वाई माइनस या इक्वल टू ए डी एक्स वाई, इंटीग्रेट कर दिया, और जैसे ही इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, बल्कि यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे नहीं इस तरीके से, फिर हमारे पास या देखिए यहाँ पर वाई क्यूब बाई थ्री है ना, तो ये वाई क्यूब बाई थ्री कर दिया मैंने यहाँ पर, अब जरा इंटीग्रेट कर दो, तो ये डी और ये कट हो गए, तो एक्स क्यूब बाई थ्री, ये वाई क्यूब बाई थ्री, और चाहो तो माइनस में रखो या इक्वल में ले जाओ, ए एक्स वाई, ए तो था और डी एक्स वाई का एक्स वाई हो गया, और प्लस एक कांस्टेंट सी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई प्लस थ्री सी, और ये थ्री सी को एक नया कांस्टेंट भी हो सकता है वो बोल दें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इक्वल टू कोई भी नया कांस्टेंट के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, टू एक्स एल एन वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बार आप इसको ट्राई करें और फिर बताएं कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ऐसी कोशिश करें कि एक्स डी वाई और वाई डी एक्स ये एक साथ मर्ज हो जाए और डी आ जाए, मतलब पूरी इक्वेशन में हमें डी लेके आना है, बस ये ध्यान रखना है कि डी लेके आना है। तो पहले तो डी के साथ, जैसे यहाँ पे दो टर्म है डी वाई के साथ, तो अलग अलग कर लिया, टू एक्स एल एन वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई डी वाई और प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई अभी हमने देखा था कि वाई स्क्वायर डी वाई को वाई क्यूब बाई थ्री कर लिया था, तो इसका कोई टेंशन तो बचा नहीं, प्रॉब्लम इन दोनों में है, इन दोनों को मर्ज कैसे किया जाए। तो यहाँ पर अब आपको सोचना है कि क्या हो सकता है, ये पूरा हट जाए और डी ऑफ कुछ आ जाए। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल एन वाई टू एक्स डी एक्स प्लस एल एन वाई टू एक्स डी एक्स और एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई वाई, ऐसे लिख लिया, और थ्री वाई स्क्वायर डी वाई, अब यहाँ पर इक्वल टू जीरो, तो
तो अब जरा आप इसको बताइए कि ये क्या है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कुछ ऐसा फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे? फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट हमको मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड मिल जाएंगे, तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, एल एन वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ज़रा चेक करके देख लो, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन, या इसके बाद एक लाइन और लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो आप कि हमने लिख लिया एल एन वाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड इंटू डी ऑफ एल एन वाई का वन बाई वाई, और ये डी ऑफ वाई क्यूब। अब थ्री यहाँ से हटाना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि वाई क्यूब बाई थ्री होगा तो थ्री से थ्री कट हो जाएगा, और वैसे भी वाई क्यूब का थ्री वाई स्क्वायर होता है, तो क्यों हम बार बार थ्री लिखे, हम सीधे इसको लिख देते हैं डी वाई क्यूब। डी वाई क्यूब का मतलब वाई क्यूब का थ्री वाई स्क्वायर डी वाई। अब क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ एल एन वाई और इन टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू जीरो, और यहाँ लिखा सीधे इंटीग्रेटिंग, और वो सब इंटीग्रेशन साइन वाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डी से इंटीग्रेशन कट हुआ तो एक्स स्क्वायर एल एन वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ये हमारा आंसर होगा। आप बताइए यहाँ तक किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है? धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा, एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे तो अभी हमें आइडिया होगा। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने डी एक्स और डी वाई के सारे टर्म अलग अलग कर लिए, जिसका इंटीग्रेशन ईजिली हो सकता है उसको हमने पहले अलग कर दिया, तो हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये दो टर्म एक साथ हो गए। ये अलग क्यों कर दिया, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया था वाई स्क्वायर डी वाई का डायरेक्ट हो जाता है, ये देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर डी वाई आया था तो हमने उसको डी वाई क्यूब वाई थ्री कर दिया था, तो इसलिए इसकी टेंशन से तो हम मुक्त हो गए कि भाई ये तो हो जाएगा इजीली। अब बचा ये दोनों में, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं रख सकते इसमें कि सिर्फ इतने पार्ट को करें सॉल्व और डी आ जाए बाहर, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हमने इन दोनों को देखने की कोशिश किया कि इन दोनों में क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ एल एन वाई आ रहा है तो नीचे वन अपॉन वाई भी आ रहा है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर फिर टू एक्स भी आ रहा है, देखो तो इसका मतलब ऐसे हमें समझना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर आया तो टू एक्स आ रहा है, और एल एन वाई आया तो वन अपॉन वाई भी आ रहा है, ये देखो वन अपॉन वाई भी आ रहा है, तो ये पक्की बात है कि दो प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला है वो लगेगा यहाँ पर, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो वही काम यहाँ पर हुआ है, फर्स्ट इसको लेट किया एल एल वाई को अलग कर दिया। अब देखो एक ये भी समझना पड़ेगा हमको कि यहाँ पर ये डी एक्स है तो ये डी एक्स किसके साथ होगा, एक्स स्क्वायर के या एक्स के टर्म के साथ ही तो होगा, वाई के साथ डी एक्स तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमने टू एक्स को डी एक्स के साथ कर दिया, डी वाई है तो वो वाई के साथ ही होगा, एक्स के साथ तो हो नहीं सकता, तो एक्स स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा, ऐसे हमें सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो एल एन वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बात समझ में आती होगी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का होता है टू एक्स, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू एक्स डी एक्स हो जाएगी, वही रख दिया यहाँ पे डी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई वाई को डी एल एन वाई लिख दिया।
अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, और फिर दूसरा आ गया। इंटीग्रेट जैसे ही करना है हमको, डी को गायब कर देना है तुरंत और आंसर लिख देना है, बात खत्म। अभी भी बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इसको आप लोग खुद ट्राई करें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऊपर देखे जो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं उसी से आपको आइडिया होने वाला है। जैसे ही हम एक्स डी वाई और वाई डी एक्स देखते हैं, बहुत आराम से हम सीधे डी एक्स वाई लिख देते हैं। ये क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी ये ऊपर लिखा हुआ है हम लोगों ने, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर हमने लिख दिया, डिफरेंशिएशन किसका दिया हुआ है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग, जैसे हमने इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो ये एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर तो हमारे पास डी एक्स डी वाई और वाई डी एक्स था, तो हमने ऐसे आंसर लिख दिया सीधे। अगर हमारा यही क्वेश्चन सेम ऐसा होता तो क्या होता है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये होता एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर होता सेम, यही मान लेते हैं कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब क्या होता है इसमें, तो एक्स डी वाई एक्स डी एक्स है और वाई डी वाई है, यहाँ पर एक्स डी वाई और वाई डी वाई है, एक्स डी एक्स और वाई डी वाई। तो यहाँ पर अभी बात हुई थी हमारी कि अगर एक्स के साथ डी एक्स दिखाई दे और वाई के साथ डी वाई हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये टू इंटू में है तो उधर जाके अपॉन में हो जाएगी। तो हाफ ऑफ क्या लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, इंटीग्रेट कर दिया। जैसे इंटीग्रेट किया आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और साथ में हाफ है यहाँ पर, इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके तो चलिए आगे करते हैं फिर, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप लोगों ने इसको किया होगा।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारा वाई माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन टू वाई माइनस एक्स प्लस वन। वाई माइनस टू एक्स माइनस वन है यहाँ पर, और अपॉन में टू वाई माइनस एक्स प्लस वन। अब ये आपको याद होगा, ये बहुत बड़े मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वो वाला पार्ट है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, वैसे आपको याद होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें हम क्या करते थे, स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस करके एक बहुत बड़ा सा प्रोसेस सॉल्व होता था, तब जाके आंसर आता था 2 पेज का कैलकुलेशन। तो वहाँ पर जो भी हमने काम किया है, आप सबको आपकी ड्यूटी आ जाइए कि जो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पर किए हैं उनको इस टाइप से करने की आज कोशिश करें आप। अगर इससे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं उनका प्रॉपर मेथड तो हमारे पास है ही है। अब ये भी नहीं है कि सब इसी से हो जाएंगे, क्योंकि अगर सब इसी से हो जाने वाले होते तो फिर हम उसको क्यों पढ़ते। तो फिर हमें कोशिश यही करनी है कि देखना है कि कितने सारे हम इस मेथड से कर सकते हैं और उनका कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, टू वाई डी वाई माइनस एक्स डी वाई प्लस डी वाई, और ये वाई डी एक्स माइनस टू एक्स डी एक्स और माइनस डी एक्स। अब वाई डी एक्स और एक्स डी वाई एक साथ कर लेते हैं क्योंकि माइनस में है, तो ये एक साथ हो जाएंगे। और टू वाई डी वाई और टू एक्स डी एक्स इनको भी एक साथ कर लेते हैं, टू वाई डी वाई प्लस टू एक्स डी एक्स ये हो गया, और माइनस कॉमन लेके एक्स डी वाई और वाई डी एक्स को एक साथ कर लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो एक्स डी वाई माइनस का था और ये वाई डी एक्स भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, बल्कि इनको भी इधर ही ले आते हैं, सबको एल एच एस में ही शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो ये कितना छोटा हो गया, दूसरी लाइन में ही आंसर दिखने लगा। डी ऑफ ये वाई स्क्वायर हो गया, ये डी ऑफ क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ये डी ऑफ एक्स वाई हो गया, और ये डी एक्स प्लस डी वाई तो लिखा ही है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट सी, ये ऐड कर दिया तो ये आंसर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप उस टाइप के जो भी क्वेश्चन हमने वहाँ पर किए हैं उनको आपकी ड्यूटी है कि सारे इस मेथड से पहले एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये एक उसका शॉर्टकट हो गया जो हमने बहुत बड़े मेथड से किया था, उसको सॉल्व करने का ये तरीका हो गया बहुत इजी मेथड से। कई बार लीनियर डिफरेंशियल वाले क्वेश्चन जो हैं जो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाते हैं, इससे बहुत छोटे हो जाएंगे, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, पहले इसी मेथड से ट्राई करना है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये क्वेश्चन जैसे हमने ये किया होमोजीनियस का एक बड़ा सा क्वेश्चन एक छोटे से पार्ट में हो गया, वैसे ये क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन हम इसको भी बहुत छोटे से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे और साथ में वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर अपॉन, और फिर हम इसको किस मेथड से करते थे, इसको बोल देते थे कि भाई ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन जाता है। लेकिन अभी हम इस टाइप से नहीं करने वाले, इससे भी हो जाएगा लेकिन अभी हम सबको इस तरीके से करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे,
वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डी वाई, टू एक्स के साथ डी एक्स और इंटू वाई, और फोर एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स। अब बस हमें ये देखना है कि किस टाइप से हमारा आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर डी वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डी वाई, और यहाँ पर टू एक्स डी एक्स इंटू वाई हो गया, और ये फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स की तो कोई टेंशन नहीं है, एक्स क्यूब बाई थ्री का डिफरेंशिएशन होता है ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। प्रॉब्लम यहाँ पर भी कोई नहीं है कि डी वाई का वाई हो जाएगा, डी वाई का ये वाई इजिली हो जाए। प्रॉब्लम यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो डी वाई आ रहा है, ये एक साथ अलग अलग मर्ज नहीं हो सकते, तो इनको एक साथ हमें करना पड़ेगा। तो इनको दोनों को एक साथ मर्ज करके डी कैसे आ सकता है, तो थोड़ा सा सोचो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो साथ में डी वाई है, और ये डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो साथ में वाई है। तो क्या ये बन नहीं रहा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो क्या बन जाएगा ये, डी वाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू फोर डी ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू फोर बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कोशिश हमारी यही होगी, अब जो भी क्वेश्चन पहले जब भी हम पेपर टेस्ट में या कैसे भी देखेंगे, तो हम सबसे पहला काम उनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो शॉर्टकट है, उससे करने की पहले कोशिश करेंगे। जे लेवल्स के क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल के, उनमें तो वो प्रोसेस करना ही है, उनमें ये अप्लाई नहीं करना है। कई बार मैं मना कर चुका हूँ अभी तक कि इसको इस मेथड से नहीं करना है, बोर्ड वाले जितने भी क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो ये हो गया हमारा, वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कुल मिला के ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स, हमें तो ऐसे ही देखना है और उसके बाद सॉल्व करना है। करो इसको सॉल्व और बताओ आंसर। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, दो लाइन का काम है ये। तो वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो,
तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई तो हमें दिख रहा है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ऊपर देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, जब हमें दिखाई देगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये लिखा हुआ है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो अपॉन में क्या होना चाहिए? अगर अपॉन में वाई स्क्वायर मिल जाए तो उसको हम डी एक्स बाई वाई लिख सकते हैं। तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को हम अपॉन में वाई स्क्वायर लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बगैर उसके तो काम होने वाला ही नहीं हमारा। तो हमने इसको वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया डी ऑफ एक्स बाई वाई, और ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, एक्स डी एक्स। तो एक्स को क्या लिख सकते हो, डी एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और बाई टू की ज़रूरत पड़ेगी अब इंटीग्रेटिंग। एक्स बाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आंसर आ गया हमारा। हो रही बात क्लियर? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें समझ में आएगा कि इजी है ये, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए कुछ होमवर्क मैं पहले लिख देता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको ट्राई करना है, नहीं होगा तो फिर हम इनकी बात करें। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अभी हमने बात की थी कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, तो फिर हमें क्या सोचना चाहिए, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर याद होगा, अभी साइन इनवर्स एक्स बाई वाई के केस में आता है, साइन इनवर्स एक्स वाई के केस में ये लिखा हुआ है, ये है वन माइनस अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई मीन्स साइन इनवर्स एक्स वाई। तो बस हमें कुछ ऐसी कोशिश करनी होगी, तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और आंसर भी मैं यहाँ पर इनको प्रोवाइड कर देता हूँ। आंसर इसका है हमारा साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस एल एन एक्स इक्वल टू के, या सी कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, वाई प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस डी एक्स प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर है टेन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ई टू द पावर एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई, ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है एक्स वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वाई क्यूब डी एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पर अपॉन में लाएंगे फिर हम बाद में कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई तो है, तो अपॉन में क्या चाहिए, उससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें। इसका भी आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर है ई टू द पावर एक्स वाई प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई प्लस सी,
इक्वल टू जीरो। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर लिख लेते हैं। ये कई सारे जो है वो जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहे हैं, तो ये जो भी होमवर्क दिया जाता है आप इसको सीरियसली करें, और नहीं आता है तो फिर पूछे जरूर, छोड़ के ना बैठे कि नहीं हमने अभी ट्राई नहीं किया या हमने छोड़ दिया, वो काम बिल्कुल भी ना करें। एक्स कॉट वाई प्लस एल एन हाफ कॉस एक्स, और इन सबके साथ जो है वो मल्टीप्लाई में है डी वाई प्लस एल एन ऑफ साइन वाई माइनस वाई टेन एक्स, और इन सबके साथ मल्टीप्लाई में है डी एक्स इक्वल टू जीरो। इसके ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, साइन एक्स टू द पावर वाई इंटू कॉस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू जीरो, साइन वाई टू द पावर एक्स कॉस एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू, और यहाँ पर कांस्टेंट लिख लेते हैं, ये सी है कांस्टेंट। सी ऑप्शन में है साइन एक्स टू द पावर वाई साइन वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और डी है नन ऑफ डीज। आंसर इसका जो है वो बी है, साइन वाई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू जीरो, या कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, कोई भी कॉन्स्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो सकता है कि इनमें से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई करें फिर अगले टर्न पे ज़रूर बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन, एक्स प्लस वन इंटू वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई और कर्ली ब्रैकेट में है ये सब इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई और साथ में डी वाई इक्वल टू जीरो। आंसर भी इसका दे देता हूँ मैं, एक्स वाई प्लस वाई एल एन एक्स प्लस एक्स साइन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। आप इसको ज़रूर याद रखें और जो ये होमवर्क दिया गया है इसको ज़रूर सॉल्व करें।